अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सारा नीना की किचन में फिर से एक बार नई रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को कद्दू, सीताफल और भिलिया भी कहा जाता है। ये सूखी सब्जी बहुत ही टेस्टी पकती है। ये भंडारे में भी बनाई जाती है। इस सब्जी को पूरी व पराठे के साथ भी सर्व किया जाता है। तो चलिए बनाते हैं हम सीताफल की सब्जी। ये हमने पीला वाला सीताफल लिया है, इसको हमने छील लिया है। 500 ग्राम हमने ये सीताफल लिया है। 3 मीडियम साइज के हमने प्याज ली हैं, 1 हमने टमाटर लिया है उसको चॉप कर लिया है, और हमने 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, 6-7 हमने ये लहसुन की कलियां ली हैं, इनको बारीक हमने चॉप कर लिया है, 5 से 6 हमने ये साबुत लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून हमने ये जीरा लिया है, और 1.5 हमने ये मेथी दाना लिया है, और हमने ये आम का अचार लिया है। इसके बिना तो स्वाद अधूरा ही सा ही है। अब आइए, हमने एक पैन में है ना मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम इसमें है ना ये मसाले डालेंगे, मेथी दाना और जीरा, इसको हम अच्छे से तड़का लेंगे। ये देखिए, हमारा जीरा और मेथी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ये लहसुन की कलियां डाल देंगे, इसको भी हम ब्राउन से फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं, वरना तो ये जल जाएंगे। ये देखिए, हमारा लहसुन भी। अब हम इसमें ये साबुत मिर्च ले लेंगे, जो हमने बारीक चॉप की है, उसको भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे 2-3 सेकंड के लिए बस। अब हम इसमें ये अनियन ऐड करेंगे, इसको हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, फ्राई करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे हम इसको। ये देखिए, हमारी ये थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ये टमाटर ऐड कर लेंगे, इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हमारे ये भुन चुका है। अब हम इसमें ये सीताफल ऐड कर देंगे, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, ये पककर बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार आप भी ट्राई जरूर करना। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप चाहो तो इसे मीठा भी बना सकते हो, लेकिन हमें मीठा नहीं, हमें कुछ तीखा तीखा सा अच्छा लगता है ये। अब हमने ये अच्छा आम का अचार लिया था, इसको हमने बारीक सा काट लिया है, और भी इसको भी हम मिला लेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, हमने ये मिला लिया है। ये हमने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1.5 हमने हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून नमक, आप स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे, ताकि हमारा अच्छे से पक जाए। हालांकि ये पानी अपना आप छोड़ देता है, क्योंकि हमें सूखी सब्जी बनानी है, तो हमने इसे 1/2 कप पानी ऐड कर लिया था। अब देखिए, हमारा ये पककर कितने अच्छे से तैयार है। लेकिन अभी इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे, और इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि इसका जो ये पानी है ये सूख जाए। दोस्तों, फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा ये कितना अच्छे से पक गया है। हमने इसको मैश कर लिया था अच्छे से। ये देखिए, इसमें इसको हम 1 से 2 मिनट तक और भूनेंगे। इसमें हल्का हल्का सा रोगन आने लगा है। अब हमने ये जो हरी मिर्चें ली थी, इनको ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारा कितने अच्छे से पककर तैयार है। लेकिन हम इसे कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट तक।
देखिए यह हमारी सीताफल की सब्जी कितनी टेस्टी पककर तैयार हुई है। ये देखिए, इसको हम धनिया से सर्व करेंगे। ये मिला लिया हमने धनिया, हरा धनिया सॉरी। ये देखिए, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। इसको पूरी या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।